अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खुश होंगे और सलामत होंगे। तो जनाब, आप लोगों ने मुझसे बिल्कुल नाराज़ नहीं होना है, मैं आज से पूरी कोशिश करूंगी कि रेगुलर व्लॉग्स अपलोड किया करूं। तो चलिए जी, व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खुश होंगे और सलामत होंगे। तो जनाब, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज के वीडियो में मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको सुनाई है। वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे जो है तो जल्दी से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आपसे मुलाकात होगी कल, ठीक है? तब तक के लिए आपने वीडियो को एंजॉय करना है और कुछ गप्पे लगा लेते हैं चलते चलते। और जनाब, इस वक्त फ़िलहाल मैं मौजूद हूँ तारिक रोड पे। मैं करने आई थी थोड़ी सी शॉपिंग, क्योंकि जनाब मेरी फैमिली में होने वाला है एक छोटा सा इवेंट, जो कि छोटा तो बिल्कुल नहीं है, बट फिर भी वो क्या है, क्यों हो रहा है, वो मैं आपसे बाद में डिस्कस करूँगी। फ़िलहाल जो है आप ये जो क्लिप्स हैं इनको इन्जॉय करिए। और मुझे अपने कपड़े लेने थे, मिराल के कपड़े लेने थे, तो जितना मैं हो सका शूट कर सकी करा मैंने आप लोगों के लिए, जितना नहीं कर सकी वो मैंने नहीं किया। और मैं आजकल गायब भी मार्केट से इसीलिए हूँ, मार्केट मतलब यूट्यूब से मैं इसीलिए गायब हूँ कि मैं थोड़ा ज़्यादा बिजी हूँ, मौसम भी चेंज हुआ है तो मिराल को एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है। और चलिए पहले आप मुश्तबा की थोड़ी सी ब्लॉगिंग सुन लीजिए। हाँ दिलाओ, क्या करने आए हो? कुछ लेने आए हो? शॉपिंग करने? किसकी? अच्छा, चल। तो बस अब हम शॉपिंग करना स्टार्ट कर दी थी, मैंने छोटे छोटे से क्लिप्स बनाए थे। और बस मैं बता रही थी आपको कि मौसम की वजह से मिराल को एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है, क्योंकि उसके लिए ये पहली सर्दी है और उस मिराल के होने के बाद मेरी भी ये पहली सर्दी है। तो मिराल को मैं रेगुलर मालिश वगैरह कर रही हूँ, उसे कहवा बना के दे रही हूँ, शहद पानी दे रही हूँ, तो थोड़ी उसकी एक्स्ट्रा केयर चल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से मिराल 6 मंथ की होने वाली है 13th December को, माशाल्लाह माशाल्लाह पूरे 6 मंथ की हो जाएगी। और ये कवर होता कि मैं इसलिए शूट कर रही होती हूँ क्योंकि कवर का जो सर्कल है थोड़ा सा छोटा है मेरे मोबाइल के कैमरा के सर्कल से, तो फिर क्या होता है कि शेड आ रहा होता है, इसलिए मैं कवर उतार के शूट करती हूँ। और जनाब मैं बाजार से वापस आके मैंने अपने हस्बैंड के कपड़े प्रेस किए थे और बहुत दिन के बाद किए थे, पता नहीं क्यों मुझे अपने हस्बैंड के कपड़ों से भी उतनी मोहब्बत होती है जितनी मुझे अपने मियाँ से है। और ऐसा ही है कि जब मैं उनके कपड़े प्रेस करती हूँ तो मैं बहुत दिल से कर रही होती हूँ, और जब मैं बिज़ी होती हूँ मुझे टाइम नहीं मिलता तो मैं कोशिश करती हूँ कि ना करूँ, क्योंकि उस वक्त मेरा दिल नहीं चाह रहा होता वो काम करने का, क्योंकि मेरा अकेला हाथ होता है और घर में इतने काम होते हैं कि समटाइम्स मेरा दिल नहीं करता या मैं बिज़ी होती हूँ, थकी हुई होती हूँ, तो मैं कपड़े प्रेस नहीं कर पाती। और उस वक्त जनाब मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प करते हैं और मेरा काफ़ी सारे कामों में मेरा हाथ बटा देते हैं घर के। आज मैं आपको दिखाती हूँ मेरे हस्बैंड की शादी से पहले की ज़िंदगी के ये रंग हैं, वाइट एंड ग्रे क्रीम और इस तरीके का ये ग्रे, छोटा सा ग्रे, ये मेरी हस्बैंड की शादी से पहले के चॉइसेस हैं। और शादी के बाद मैंने उन्हें कैसे कपड़े पहनाने शुरू किए थे, ये देखिए ब्लू, ब्राइट सा ब्लू है, बहुत ही खिलता हुआ और मुझे बड़ा अच्छा लगा था, बल्कि मेरे हस्बैंड को ये पसंद आया था। और ये रेड एंड मरून चेक वाला जो अपर है और ये डार्क ब्लू अपर, और ये शादी से पहले वाला ग्रे है, ये शादी के बाद वाली शर्ट है, तो ये भी मेरी पसंद की है। इस कबर्ड में आपको जितने भी कलरफुल कपड़े दिख रहे हैं ना, कलरफुल शर्ट्स दिख रही हैं, वो सब मेरी चॉइसेस हैं, क्योंकि मैं बाकी लोगों के कपड़े पहने हुए देखती हूँ ना, कलरफुल शर्ट्स जब बाकी मर्द हजरात पहनते हैं तो मुझे उनके पास अच्छी लगती थी। और मैं अपने हस्बैंड को कहती थी आप इतने बोर और बूढ़े क्यों बन के रहते हैं, तो ही सेट के बस मैंने शुरू से ऐसे ही कपड़े पहने, मैंने कहा ओके। तो फिर मैंने क्या किया, एक दो बार मैंने उन्हें ख़ुद से गिफ्ट किए कलरफुल शर्ट्स थोड़ी, और उन्होंने पहनी, उनको अच्छी लगी, सबने उनकी तारीफ़ करी, तो उन्होंने फिर पहनना शुरू कर दी। और ये जो आपको बड़े प्यार से पिंक फ्लावर वाला ब्लैंकेट नज़र आ रहा है, ये भी मेरे हस्बैंड ही ख़रीद के लाए हैं, ऑल दो ये भी ब्राउन कलर का है बट इसमें पिंक और रेडिश ग्रीन इस टाइप के शेड्स आ रहे थे, तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा और मेरे हस्बैंड मुश्तबा के लिए लेके आए थे। और मिराल मैडम यहाँ लेटी है, मुझे देख रही है कि मम्मा क्या कर रही हैं, और मम्मा भैया को उठा रही थी, कुछ शाम का टाइम था। अच्छा जी, उसके बाद मैं पढ़ रही थी यहाँ पर असर की नमाज़, असर की नमाज़ पढ़ते हुए मुझे ख्याल आया एक कि हाँ जी मुझे आप लोगों से क्या बात करनी है। वो बात ये थी कि देखिए आप लोगों के दिल में जो भी ख्वाहिशें होती हैं, हम इंसान हैं, हर इंसान अपने दिल में कोई ना कोई ख्वाहिशात रखता है, उसके भी कुछ सपने होते हैं, कुछ
खुशियाँ होती हैं जो उसने अपने लिए देखी होती हैं, उसका भी दिल होता है, वो भी चाहता है कि मेरे पास भी ये हो ये हो ये हो, और मेरे पास तो ये है जो कि बहुत प्यारी है माशाल्लाह से। तो मैं आपसे यहाँ ये कह रही थी कि हर इंसान की कुछ ख्वाहिशात होती है और अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए हम अल्लाह से दुआ करते हैं। दुआ के साथ साथ हमें स्ट्रगल करनी पड़ती है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है और फिर ही हमारी ख्वाहिशें ख्वाब सब पूरे होते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है ना मेराज का सूट अभी स्टिच किया है, तो मैंने कहा आप लोगों को दिखा देती हूँ। इसमें मैंने फ्रिल लगाई थी, गला मुझे थोड़ा सा बड़ा लग रहा था तो मैंने इसमें फ्रिल ऐड कर दी और अब ये गला इसको बिल्कुल ठीक है, सही है, सिंपल सा सूट है। मेरा बचा हुआ कपड़ा था मेरे सूट का ही, मैं जब भी कपड़े बनाती थी ना जब मेराल नहीं हुई थी और इसके पीसेस बच जाते थे मैं किसी को नहीं देती थी, रख लेती थी और बस कहती थी कि अल्लाह पाक मुझे जब बेटी देगा ना तो अपनी बेटी के कपड़े सिया करूँगी। और वह दिन देखें आ गया, अल्लाह ताला ने मुझे भी बेटी दे दी और अब मैं उसके कपड़े सीती हूँ। तो आजकल मुझे जब थोड़ा थोड़ा टाइम मिल जाता है तो मैं मेराल के कपड़े सीती हूँ, खद्दर के, सर्दियों के ना, शलवार कमीज़ उसके मैंने अब सीना शुरू कर दिए हैं क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं तो बच्चों को पूरा कवर रखना पड़ता है, इसीलिए जो है ना मैंने उसके मुन्ने मुन्ने से शलवार कमीज़ दो तीन ड्रेसेस मैंने सीए हैं, आज मैंने आपके साथ एक शेयर कर दिया है। एक मैंने उसकी अम्ब्रेला फ्रॉक भी सी है लेकिन वो थोड़ी बड़ी है और वो सर्दियों के लिए नहीं है, स्टफ़ रखा हुआ था और कपड़ा काफ़ी ज़्यादा था तो मैंने कहा मैं इसका छोटा सा शलवार कमीज़ सी के कपड़ा ज़्यादा क्यों करूँ, मैं इसकी फ़्रॉक बना देती हूँ। उसमें अच्छी खासी इसकी फ़्रॉक बन रही थी तो फिर जो है ना मैंने उसकी फ़्रॉक बना दी। मेरा मुश्तबा जो है ना अभी पार्क गया हुआ है तो मैं आपको जल्दी से ना दूसरा वाला ड्रेस भी दिखा देती हूँ, मुझे भी घर में इतना सुकून है। तो ये है वो फ्रॉक जो कि उसको अभी बड़ी है लेकिन बाद में इंशाल्लाह ताला पहन लेगी वो। तो इसके घेर में जो है ना मैंने तार वाला पीको होता है जिससे कर्ल्स आ जाते हैं ना, ये वाला पीको करवाया था और स्लीव्स पर जो है ना मैंने बिल्कुल सादा वाला पीको करवाया था, स्लीव्स इसके फ्रिल वाले सिए थे मैंने, कट किए थे सॉरी। और बस ये देख लीजिए इसका गला भी थोड़ा बड़ा है क्योंकि फ्रॉक भी बड़ी है जिसको अभी नहीं आएगी। साथ ही हमें आ जाना था एक इवेंट में, ये वहाँ के पिक्चर्स हैं और ये मैं हूँ, ये मेरा बेटा और ये मेरी एक अदद प्यारी सी बेटी। तो बस जनाब और ये आगे पीछे कुछ दिनों के क्लिप्स हैं, इतने दिन जो मैं गायब रही हूँ ना वो इसी वजह से कि मुझे मेराल को थोड़ा एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ रही है, अपनी भी केयर करनी पड़ रही थी क्योंकि मौसम एकदम से कराची का चेंज हुआ है तो ये बच्चों के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। और मुझे इसमें ना घी डालना था डालडा, तो मैंने कहा इसको वॉश कर लेते हैं फिर डालेंगे। और साथ ही मेरी रेसिपी बुक रखी है जिसमें मेरी मदर इन लॉ की हरी मिर्च वाले पुलाव की जो रेसिपी लिखी हुई है, हरे मसाले की बिरयानी की, तो मुझे याद नहीं है लेकिन मैं जब कोई चीज़ अच्छी बन जाती है और अप्रूव हो जाती है सब उसकी तारीफ़ कर देते हैं तो मैं उसकी रेसिपी को नोट डाउन कर लेती हूँ हमेशा के लिए अपने पास कि अब ये सबने अप्रूव कर दिया अब ये बना करेगी। और मेराल मैडम यहाँ है और आपको इसके कपड़े देख के अंदाज़ा हो गया होगा कि ये नेक्स्ट डे नेक्स्ट का क्लिप है, छोटे छोटे क्लिप्स हैं जो मैंने बीच बीच में बनाए थे बट मुझे टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं एक प्रॉपर व्लॉग अपलोड कर सकूँ, तो बस मैंने कहा आज कर देती हूँ यार, छोटे छोटे वीडियोस पड़े हैं इनको कंबाइन करके व्लॉग अपलोड करते हैं और आप लोगों के साथ थोड़ी सी गप्पियाँ शप्पियाँ लगाते हैं। तो बस जनाब आगे भी मैं जब मार्केट जाऊँगी, मुझे कुछ दिनों में फिर से बाज़ार जाना है, थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है तो आप लोग के साथ ज़रूर व्लॉग शेयर करूँगी वहाँ का भी। तो बस मैं इसीलिए तरह जो है ना बिज़ी चल रही हूँ आजकल, थोड़ी बहुत मेराल के कपड़ों की स्टिचिंग है और मेरा हाल की केयर करनी पड़ी है, साथ साथ मुश्तबा को देखना पड़ा है क्योंकि मुश्तबा की भी एडमिशन की अप्रूवल इंशाल्लाह ताला आ जाएगी, अल्लाह पाक से अच्छी उम्मीद है। मैंने उसकी एडमिशन वाला वीडियो आपके साथ शेयर किया था ना, तो बस उसको भी थोड़ा थोड़ा लर्निंग स्टार्ट कराई हुई है आजकल, तो उसको टाइम देना पड़ता है, उसको सिखाना पड़ता है, लेके बैठना पड़ता है, तो इसलिए ना मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था। और यहाँ जो है ना मैंने कंटेनर फिल कर लिया था डालडा से, उस वक्त वो थोड़ा सा सोगी सा था, गीला गीला सा, नम नम सा, तो मैंने फिल नहीं किया। और जब मैंने इसको पोंछा तो मैंने इसको देखा ड्राई करने के बाद कि इसमें एक अदद सुराख है, बट मैंने कहा चलो यार इसको इस्तेमाल कर लेते हैं जब तक ये इस्तेमाल के काबिल है। और ये फिर अनदर डे का क्लिप है, और मेराल का जो फेवरेट टॉय हो गया है ना वो भी डॉगी है, उसके भैया का भी डॉगी था और उसका भी फर्स्ट पेट डॉय उसका डॉगी ही है। और मोहम्मद मुश्तबा जो है ना यहाँ बैठ के अपना फ्रेंच फ्राइज खा रहा था, काफ़ी दिन के बाद उसने मुझसे कहा मम्मा फ्राइज बना दे, तो मैंने कहा बना देते हैं जनाब, और फिर मेरी नीयत भी ख़राब हो गई, मैंने कहा मुझे भी थोड़े से खाने, तो उसने मुझे दे दिए थे खाने के लिए। मैंने उसको तो सिर्फ सॉल्ट डाल के दिया था, बट अपने लिए मैंने जो है ना सॉल्ट एंड कैचअप उसको दिया था, अपने लिए मैंने चाट मसाला डाला था, और मेरे बेटे ने मुझे काफ़ी सारे दे दिए थे कि मम्मा आप इन्जॉय कर लें। वीडियो का इतना सभी पसंद आया हो तो प्लीज़ प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।